नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। दोस्तों सबसे पहले हम आप लोगों का स्वागत करना चाहेंगे क्योंकि आपने इस वीडियो को प्ले किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे एजुकेशन लोन के बारे में, जो कि यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसको आप प्ले करोगे तो आपको बड़े बड़े आर्टिकल लिख करके यहाँ बतलाया जा रहा है। एक ही चीज को 15 बार पढ़ पढ़ के वहां पे बतलाया जा रहा है, ऐसे होगा वैसे होगा वैसे होगा, भाई करना कैसे ये चीज तो बता ही नहीं रहा, लोन कैसे मिलेगा ये चीज तो आप लोगों को बतलाया नहीं जा रहा है। देखिए, अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो इसका जो है रीजन, हम दो रीजन निकाल रहे हैं आप एजुकेशन लोन किस लिए ले रहे हो। फर्स्ट रीजन जो है दोस्तों, इस वीडियो को प्ले किया तो थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप हम एजुकेशन के लिए लोन ले रहे हैं, एजुकेशन लोन ले रहे हैं, तो एजुकेशन लोन के लिए हम यहाँ पे दो पर्पस निकाले हैं, एक एजुकेशन के लिए और एक बिजनेस पर्पस के लिए, ठीक है। सिंपल सा, अगर आपको एजुकेशन लोन लेना है मतलब मार्कशीट दे करके, तो उसका रीजन तो दो ही होगा, एक चाहे हम पढ़ना चाहते हैं लोन लेकर के, या फिर हम लोन लेकर के बिजनेस करना चाहते हैं, दो रीजन है। सबसे पहले हम एजुकेशन, यहाँ पे एजुकेशन का बात करेंगे, ठीक है, कि एजुकेशन अगर हमें फिर से हमें करना है मतलब पढ़ना है तो उसके लिए लोन हमें कैसे मिलेगा। देखिए, एजुकेशन लोन आप लीजिएगा तो ऑनलाइन अप्लाई जो है आप कहीं से नहीं कर पाइएगा, ना ही आपको एक को बैंक देगा, ये बात आप समझ लीजिए अच्छा तरीका से। आपको बैंक जो है ये लोन नहीं देने वाला है, ये बात को आप समझ लीजिए। आप देखिए लेना है कैसे, मान लीजिए आपको हाईएस्ट ग्रेजुएशन मतलब जैसे आपको एजुकेशन लेना है, जैसे आपको पीजी पीएचडी बहुत सारे जैसे बड़े बड़े कॉलेज होता है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी होता है, आप उसमें पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है, बट आपके पास पैसा नहीं है तो वहां पे आपको कॉलेज ही इस पे लोन आपको करवाएगा, ठीक है, वो बैंक से करवाए चाहे कंपनी से करवाए चाहे वो खुद लोन दे दें, ठीक है। तो ये लोन जो आपको वहां से ही हो जाएगा जहां से आप पढ़ाई कर रहे हो। सपोज दैट मान लेते हो अभी आप 12th कर लिए हो, ठीक है, अब आगे आपको पढ़ना है, जैसे पीजी लॉ का डिग्री लेना है, जो भी आपको एजुकेशन ले पढ़ना है उसके लिए आप आगे की तैयारी करने के लिए इस पर्पस पे आपको लोन मिल जाएगा, बट बैंक से नहीं मिलेगा, आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी से ही मिलेगा, आपको वहाँ के प्रिंसिपल से बात करने के, सर हमें लोन लेना है, ठीक है, ये आपको इस प्रकार से आपको लोन दिया जाता है। बड़े बड़े आर्टिकल लिख करके एक ही बात को 15 बार पढ़ के सुना देने से लोन नहीं मिल जाएगा, ये आप समझ गए कि लोन हमें यहाँ से कैसे मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे बात करते हैं बिजनेस के बारे में, अगर आपको एजुकेशन पेपर पे बिजनेस के लिए लोन लेना है तो वो कैसे होगा, यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है, यहाँ पे क्लियर आपको एक बात में बता दिए, यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये इसमें हम ज्यादा आपको लंबा नहीं खींचेंगे, क्लियर आपको बता दिए यहाँ पे आपको मिलेगा ही नहीं, इसको खत्म कर दीजिए। अब दोस्तों एक आपको हम वेबसाइट चलिए यहाँ पे बतला रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये एक गवर्नमेंट का पोर्टल है जहाँ से इनका नाम जन समर्थ के नाम से ये जाना जाता है, अभी अभी दोस्तों ये पोर्टल लॉन्च ही किया गया है। अब यहाँ पे आप जैसे आ जाओगे तो यहाँ पे आ जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो तो एजुकेशन लोन का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि आप यहाँ से एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर दोस्तों आप लोग यहाँ से एक बार अप्लाई करके देखिए, ठीक है, यहाँ से अगर आपका हो जा रहा है तो अच्छा की बात है, अन्यथा आपको जो है लोन अगर चाहिए तो हम आपको एक आइडिया बता रहे हैं। दोस्तों अगर आपको बिजनेस करने के लिए लोन लेना है तो मेरे चैनल पे आइएगा, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद जो है यहाँ पे फर्स्ट वीडियो ही आपको मिल जाएगा, यहाँ पे नया बिजनेस के लिए युवा को मतलब लोन कैसे लेना है, दुकान के लिए पूंजी कैसे अरेंज करना है, यहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन बतलाया गया है। इसमें जो है कि जो दोस्तों इसमें हम ये बतलाए हैं कि छोटा से छोटा आप जो है बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, हम यहाँ पे ये नहीं बतलाएं कि 10 लाख 20 लाख करोड़ों का बिजनेस हमें कैसे करना है। इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा तो आप लोग को 100% जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपका जो है हेल्प भी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना हम भूल गए, यहाँ पे जैसे आपको कोई कह रहा है कि हम बिजनेस लोन आपका करवा देंगे और मुझे जो है 5,000 10,000 रुपया दे दीजिए, ठीक है, अगर आपको लोन नहीं मिलेगा तो हम पहले आपको हम चेक काट के दे देते हैं कि अगर आपको लोन नहीं मिला तो आप जो है अपना चेक से पेमेंट जो है जितना आप हमें दे रहे हैं उतना जो है आप ले लीजिएगा मेरे अकाउंट से, ठीक है, तो इन सब पे आप विश्वास मत कीजिएगा, ठीक है, ये सब एक फ्रॉड है, ठीक है, इसका फ्रॉड के चक्कर में नहीं फंसना। अगर कोई आपको कह रहा है कि हम बिजनेस करने के लिए आपको एजुकेशन पेपर लेकर के अगर हम लोन करवा रहे हैं तो सीधा समझिए कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, ये व्यवस्था अभी तक कहीं उपलब्ध है ही नहीं कि एजुकेशन पेपर लेकर के बिजनेस जो है बिजनेस के लिए हमें लोन करेगा, इसको भूल जाइए। बिजनेस के लिए लोन लीजिएगा तो बिजनेस का पेपर आपको देना होगा, एजुकेशन के लिए लोन लीजिएगा तो आपको एजुकेशन पर्पस पे एजुकेशन के लिए ही लोन दिया जाएगा, एजुकेशन जो है आपको बिजनेस करने के लिए कभी देगा ही नहीं लोन, ठीक है, और अगर आप एजुकेशन के लिए लोन ले रहे हो तो आपको एजुकेशन के लिए ही लोन देगा, ठीक है, इन बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग। जो दोस्तों हम कह रहे हैं यही आपको 100% मिलने वाला है, अगर आप कहीं बैंक में भी ट्राई करोगे तो आपको वहां पे कोई रिस्पॉन्स नहीं लेगा आपका यहाँ पे एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो अगर आपको एजुकेशन लोन लेना है तो आपको बता दिए कि यहाँ पे दो इसका रीजन हम बता दिए, ठीक है, तो पहला रीजन पे आपको लोन मिल रहा है, अब इसके बाद जितना आपके मन में क्वेश्चन है सब इसी पे जोड़ लीजिए कि एजुकेशन के अलावा जो है इस पे हमें कोई लोन देगा ही नहीं,
सिंपल सी बात आपको समझा देते हैं कि एजुकेशन के अलावा जो है आपको किसी भी रीजन पे कोई भी प्रॉब्लम हो आपको लोन नहीं देगा। अगर आपको आप पढ़ाई कर चुके हैं, आपका पढ़ाई स्टॉपेज हो चुका है या फिर आप पढ़ना नहीं चाहते हो तो आप लोग को हम बतला दिए इस वीडियो को थोड़ा देख लीजिएगा। बिजनेस करना चाहते हैं तब आपको जो यहाँ पे हम बतलाए हैं कि आप जो है 25,000-50,000 आपको कैसे मिल जाएगा, वो दोस्तों आपको एक हफ्ता के अंदर अंदर ही पेमेंट आपका मिल जाता है। उसमें बहुत ही नॉर्मल आपको स्टेप को फॉलो करना होता है, आपका पेमेंट जो मिल जाता है केवल आधार कार्ड पैन कार्ड पर, ज़्यादा इसमें दिमाग आपको लगाने का जरूरत नहीं है और अपना बिजनेस जो है गाँव घर में अपना स्टार्ट करके अपना जो है कर सकते हैं। ठीक है।